हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू द ब्रांड न्यू वीडियो। तो आज आपको दिखाने वाला हूँ एक यूनिक कार। जैसे कि आप देख रहे हैं सामने मारुति सुजुकी 800। तो देखने में आपको ये नॉर्मल सी लगेगी, देखने में अभी बहुत प्यारी सी लग रही है और उसका पेंट भी जो है ना अभी तक ओरिजिनल है। और आपको पूरी खासियत दिखाता हूँ इस कार के अंदर क्या खासियत है। तो भाई साहब, ये 1999 मॉडल है और आप इसकी पेंट की क्वालिटी देखो कि पेंट अभी भी ना एकदम ओरिजिनल कंडीशन में इसका पेंट। तो अभी आपको ये तो आप देखने में नॉर्मल लग रही होगी, लेकिन अंदर से दिखाता हूँ कि इसमें क्या चीज़ खासियत है। अभी आपको नॉर्मल सी गाड़ी लग रही होगी, कुछ नहीं है इसके अंदर, लेकिन अभी देखते हैं आपको अंदर से। मतलब 800 यार वो गाड़ी थी जो कि मतलब बहुत से हमारे जो व्यूवर्स होंगे या फिर जो हमारे देखने वाले हैं उनमें उनकी बहुत सी यादें मेमोरीज होंगी इस गाड़ी के साथ। बहुत उन्हें इस गाड़ी के से ही चलाना सीखा होगा अपनी ड्राइविंग, सबसे पहली बार उन्होंने ड्राइविंग इससे ही करना सीखा होगा। तो ये कार इंडिया में काफ़ी एक अलग ही एरा लेकर आई थी। तो इस गाड़ी के अंदर भी अभी तक इसको इतना अच्छा मेंटेन करके रख रखा है जैसे मैं इसमें बता नहीं सकता, क्योंकि इसका जो पेंट है ना अभी तक ये ओरिजिनल पेंट है। सब पेंट की क्वालिटी देख सकते हो आप, ये अभी तक ओरिजिनल पेंट है और ये 1999 मॉडल है। और मैं भी आपको दिखाता हूँ इसे अंदर से, चलते हैं थोड़ा उधर साइड को, अंदर बैठते हैं। तो भाई देखिए अंदर से, तो ये अंदर से अभी पूरी गाड़ी एकदम से ना वैसी है, ऑल ओरिजिनल है। इसका मीटर भी अभी तक ओरिजिनल है और देखिए अभी तक इंटीरियर भी, मतलब 1999 और 2022 चल रही है भाई, कम से कम 23 साल होने वाले हैं इस गाड़ी को और अभी भी इस कंडीशन में है कि आप बता नहीं सकता। आप देखिए पुल इसको एकदम बिल्कुल टंच कंडीशन में गाड़ी। और इसमें सबसे यूनिक चीज़ आपको दिखाता हूँ एक मैं, जैसे कि आप देखेंगे ये रहा हमारा एक्सेलेटर, ठीक है, ये ब्रेक और ये क्लच, ठीक है। तो अभी एक चीज़ और देखिए आप, यूनिक आप देख के दंग हो जाएंगे। ये तो राइट हैंड साइड है, इसके लेफ्ट हैंड साइड में भी आपको देखिए ब्रेक और क्लच देखने को मिलेगा, रेस देखने को मिलेगी। तो ये बिल्कुल यूनिक चीज़ है इसके अंदर। तो स्टार्टिंग में मैं इसी यूनिक चीज़ की बात कर रहा था कि इस कार में डबल एक्सेलेटर और ब्रेक हैं, क्योंकि ये कार है जो ड्राइविंग सिखाते हैं ना, ड्राइविंग स्कूल होते हैं उनकी कार है। तो ये चीज़ आपको देखने में बड़े पसंद आई होगी। और ये जो 800 गाड़ी थी ना, अब फैमिलीज़ की इतनी पसंद गाड़ी थी एक ज़माने में 1984 में जब ये लॉन्च हुई थी, उसके बाद से हर एक फैमिली की दिल था कि यही गाड़ी होती थी घरों में। मतलब उस समय एम्बेसडर होती थी, कॉन्टेसा होती थी, ये गाड़ियाँ चलती थी प्रीमियम पद्मनी, तो वो काफ़ी महंगी थी और रीच में नहीं आ पाती थी। लेकिन ये 3-4 लाख में कैसे फैमिली के लिए बिल्कुल सुकून वाली ज़िंदगी थी। मतलब विंड स्क्रीन भी इसकी है जो कि काफ़ी अच्छी व्यूएबिलिटी है इसकी, है ना। और साइड में देखिए तो यार बहुत ही कोजी कोजी फीलिंग आती है इस गाड़ी के अंदर। पीछे जाके चलते हैं, पीछे बैठते हैं, पीछे दिखाता हूँ मैं आपको। ये भाई है मेरे यार, देखो इनको भी हाय बोल दो, ये भी यूट्यूब पर आ गए हैं, पीछे का लॉक है भाई, इसको लॉक भी ये था, ये यहाँ से खोलना पड़ता है, अभी लॉक है ना, तो यहाँ से हम इसे खोलेंगे ऐसे करके। ये खुल गया अपना गाड़ी का लॉक यूं करके। तो भाई पीछे पीछे भी कुछ इस तरह से है, देखो भाई आप सीट्स देखिए यार, सीट्स बहुत यार थाई सपोर्ट देख रहे हो, मतलब गाड़ी के पीछे ऐसे करके बैठा हूँ मैं और अच्छा खासा सही है यार। मतलब पीछे भी काफ़ी ज़्यादा स्पेस है उस कंडीशन में जब उस समय ये गाड़ी निकली थी उस समय। मतलब तो मतलब देख सकते हो आप, ये 800 1999 मॉडल है और ये अभी भी इंडिया में इतनी अच्छी मेंटेन होकर है, ये अभी भी चल रही हैं और इतनी अच्छी मेंटेन हुई हुई है पूरी एकदम फर्स्ट क्लास कंडीशन में। सोनी के तो भाई स्पीकर लग रखे हैं इसके अंदर, सोनी के स्पीकर हैं और अभी बिल्कुल ओरिजिनल कंडीशन में, स्टॉक कंडीशन में। मतलब इसमें ऐसा कोई तामझाम नहीं करा रखा बदलो ने कि मतलब कुछ बाहर से एलॉय लगवा लिया, कुछ लगवा लिया, जो भी था पर्सनल था। बाकी सबसे खास चीज़ तो मुझे ये लगी इस गाड़ी की, इसमें दोनों तरफ वो हमारे वो क्लच और एक्सेलेटर है, आप देख सकते हो भाई, सबसे मेन चीज़ तो ये है इसके अंदर गाड़ी की। ये डबल कंट्रोल काफ़ी हेल्पफुल है कि जो बंदा सिखा रहा है और जो बंदा सीख रहा है अगर वो कोई गलती करे उस पर कंट्रोल करा जा सके। भाई हॉर्न देख रहे हो तुम, हॉर्न भी कुछ खतरनाक लगा रखा है, बता रहे पजेरो का हॉर्न है भाई इसमें लगा हुआ। तो भाई गाड़ी में जो यार सबसे तो अपने देश के शान हमारा तिरंगा झंडा। तो भाई गाड़ी अभी भी स्टॉक कंडीशन में काफ़ी मस्त है देख लिया देखने में भाई, बस बहुत ही मेंटेन कर रखी है। 99 मॉडल होने के बावजूद भी काफ़ी मेंटेन कर रखी है गाड़ी को, काफ़ी अच्छी सी कंडीशन में है। बहुत सी गाड़ियों को ना रूफ पेंट जो होता है वो ओरिजिनल ले जाता है बस, बाकी साइडें तो सब स्क्रैच लग जाती है, बम्पर टूट जाते हैं, लेकिन इसकी ऑल ओरिजिनल बॉडी पेंट है भाई अभी तक, और चमक अलग ही है अभी भी इसकी। लो भाई साहब गाड़ी की आवाज़ सुन लो तुम कैसी है गाड़ी, गाड़ी एकदम साइलेंट है भाई, वो खोलना बोनट एक बार। तो भाई 1999 इंजन होने के बाद भाई साहब हॉर्न देखो तुम कितना तगड़ा लगा रखा है, और इंजन देखो ये रही, दो दो हॉर्न लगा रखे जब तो पंप बोल रहे थे, लेकिन तुम इंजन लाइन से देखो बिल्कुल एकदम इंजन पे जो इसका है एकदम बिल्कुल क्लीन एंड साफ है अभी तक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लग रहा आज तक खुला ही ना हो कहीं से भी।
मतलब ऐसी गाड़ी तो पसंद है यार, ऐसी गाड़ी मिल जाए लेने को तो बंदा हर कोई बंदा खरीद ले। ये देखो तुम गाड़ी की कंडीशन एकदम टिप टॉप बेहतरीन जगह से, तो हेडलाइट देखिए आप, इसमें हेडलाइट भी नई तरीके की लगी हुई है, काफ़ी रोशनी देती है वाइट। अभी तो डे हो रहा है, दिन का वक्त है इसलिए ज़्यादा दिख नहीं रहा है, लेकिन अगर रात में देखोगे तो बहुत ज़्यादा वो थ्रो होता है इस गाड़ी इनका, क्योंकि ये क्रेटा की हेडलाइट है, क्रेटा की हेडलाइट मारुति 800 के अंदर डाल रखी है भाई ने। और ये देखिए हॉर्न लगा रखा है पजेरो वाले, दो हॉर्न, तो काफ़ी अच्छी कंडीशन में है, बेहतरीन गाड़ी है। तो ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड तो आज की वीडियो में इतना ही, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।